राइट नाउ अभी जस्ट कुछ देर पहले गाड़ी की डिलीवरी लेके आए हैं, आप सबने देखा होगा, और अभी बालकनी में बैठे मैं और मैडम ऐसी बतिया रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आज एक लास्ट सेशन 2022 का क्वेश्चन आंसर आप सबके साथ बनता है, तो वो है हेलो बोल दो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बड़ी बात बोली है। और मैं रोज़ ब्लॉग इसलिए नहीं डालता क्योंकि रोज़ ब्लॉग में बना नहीं पाता बिकॉज ऑफ शूट, वहाँ पे पूरा दिन निकल जाता है। जब जब मुझे मौका मिलता है मैं ब्लॉग डालता हूँ, बनाता हूँ, है कि नहीं? यस, तो डेली मुश्किल है लेकिन हाँ आते रहेंगे। अब मुझे ये नहीं पता कि आप ये सवाल पूछ रही हैं या मुझसे पूछ रही हैं, बट आई थिंक ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि क्लब जाना ही चाहिए तभी न्यू ईयर सेलिब्रेट होगा। मैं तो हमेशा से अपनी फैमिली के साथ ही मनाता हूँ, आज भी मनाता, क्या मतलब हम साथ में इसे टाइम स्पेंड करते हैं। अभी रात में अड्डे पे चले जाऊँगा अपने वैसे, बट अगर आपको लगता है कि आप वहाँ पे इंजॉय कर सकती हैं, आपके लिए जाना ज़रूरी है, तो बिल्कुल आप जाइए, जहाँ जिसकी खुशी हो, जहाँ जिसका मन करे वैसा करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, बस इंजॉय करो नया साल। रेजोल्यूशन का तो ऐसा है कि मैं पहले भी कई बार अपने इंटरव्यूज़ में, ब्लॉग्स में बोल चुका हूँ कि रेजोल्यूशन पे मैं बिलीव नहीं करता, स्पेशली न्यू ईयर के रेजोल्यूशन पे। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान को करना है वो पूरे साल आपके पास वक्त रहता है, आप कभी भी कर सकते हैं, सिर्फ किसी पर्टिकुलर ईयर या डेट का मोहताज नहीं होना चाहिए आपका रेजोल्यूशन। तो यस, मैं बिलीव नहीं करता, आप करती हैं बिलीव? मैम नहीं है, मुझे लगता है कोई भी इंसान को चीज़ अगर बदलाव लानी चाहिए अपने अंदर कभी भी ला सकता है। क्यों हम नए साल के लिए रुके? मान लो कल को हमें कल एहसास हुआ कि यार हमें हमारे अंदर यह चीज़ ठीक नहीं है, हमें बदलना है, हम क्यों एक साल का वेट करें? हम कल ही बदल लेंगे, परसों बदल लेंगे, है कि नहीं? तो ऐसे तो मैं इस चीज़ को इतना नहीं मानता। मैं ये तो आप सबको पता है, कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं इसमें। 2022 का सबसे प्रेशियस मोमेंट है सबा की शादी, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट। हम दोनों की बहुत बड़ी जो एक जिम्मेदारी थी कि हमें अच्छे से सबा की शादी करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गई और खुश भी बहुत है। तो यस, ये सबसे ज़्यादा खास पल मेरे लिए, हम सब के लिए 2022 का सबा की शादी। मैंने कहीं शेर पढ़ा था या सुना था इन्हीं लाइंस पे, कुछ अच्छी तरीके से मुझे याद नहीं है, कि ज़िंदगी आसान होती नहीं है, ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है सब्र करके, शुक्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। प्लीज़ टेल दीपिका मैम, शी इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट, प्योर एंड ब्रेव गर्ल हैव एवर सीन, अनबिलीवेबली रियल। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। ये सारी चीज़ें जो आप लोग लिखते हो, ऐसी चीज़ें जो आप लोग बोलते हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाती हैं। एंड सच में ऐसे लगता है कि ये ही चीज़ है जिसके लिए यू नो जो आप कमाते हो, जो आपकी ज़िंदगी की असली कमाई होती है। तो थैंक यू सो मच, लव यू। इंशाल्लाह कल मैं कोशिश करूंगा कि उस वीडियो को मैं अपलोड कर सकूं, तब तक आप ये देखिए यहाँ पे ये पार्क है गाड़ी, ये रही। इंशाल्लाह कल, यस कल आएगा इसका डिलीवरी, जो हम आज लेने गए थे, हमने आज शूट किया था उसका वीडियो, इंतजार कीजिए। तो फिलहाल कुछ देर के लिए हम लेते हैं ब्रेक क्वेश्चन सेशन से, क्योंकि मैं जा रहा हूँ नीचे कुछ, हाँ मतलब कुछ घंटों के लिए, या फिर हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा काम है नीचे, वहाँ जाना भी है, फिर अड्डे पे भी जाना है, फिर जाना बहुत इम्पोर्टेंट काम है, वो 22 हो, 21 हो, 20 हो, कुछ भी हो। क्यों बा, सब बढ़िया? चलो मिलते हैं जल्दी, इंशाल्लाह।